जी आज पहली बार बाड़मेर पधारे हो, पोखरण से विजय हुए हो, क्या संदेश है, क्या रहेगा मुख्य भूमिका आपकी? देखिए सबसे पहले तो मैं पोखरण की जनता को धन्यवाद और आभार देता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में अधिक मतदान किया, 88% के आसपास मतदान करना और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का करना एक बहुत बड़ी जागरूकता है उनमें। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रह करके वहाँ 35,000 से ज़्यादा जिताया है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, ये जीत हमारी सबकी है, मेरी नहीं है, पार्टी की जीत है, पोखरण की जनता की जीत है, ये जीत पोखरण की जनता को समर्पित है। पोखरण की जनता ने पूरे देश को और पूरे प्रदेश को पोखरण को जीता करके जो खुशियाँ दी है इसके लिए पोखरण का धन्यवाद और आभार। और पूरे प्रदेश में एक प्रसन्नता की लहर है, आज देख रहे हो आप जसदीर धाम पर, या 36 कौम के सब प्रकार के सब गाँवों से और आसपास के जिन्होंने सुना वो तुरंत तत्काल यहाँ सब उपस्थित हुए। इन भक्तों को भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ कि आपका एक राष्ट्र के प्रति, एक संत के प्रति, एक संस्कृति के प्रति जो जुड़ाव है वो पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ आपके अंदर बना हुआ था और वो आगे भी बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। प्रतापरी व्यक्तिशा कुछ नहीं है, प्रतापरी के ऊपर जो भगवान बाना है ये संत परंपरा का है और संत परंपरा का जो आप लोग सम्मान करते हैं इसलिए मैं आपको बहुत हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूँ। रही बात हमारा उत्तरदायित्व और हमारा कर्तव्य बनता है प्रजातांत्रिक इस प्रणाली में, प्रजातंत्र की इस प्रणाली में प्रजा ने हमें चुन करके नेतृत्व दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रदेश को आदर्श और प्रदेश को मजबूत कैसे बनाएं इसके लिए हमारी भूमिका हमें निभाएंगे और जो विश्वास जनता ने हमें दिखाया है उस जनता का विश्वास हम अक्षुण रखेंगे। जो सम्मान आज जनता हमारी को दे रही है तो हम जनता का सम्मान और बढ़ाएंगे, यही भाव रखते हैं। निश्चय ही मोदी जी मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, मोदी जी मजबूत होंगे, मोदी जी मजबूत होते ही देश मजबूत होगा और देश मजबूत होकर के विश्व में भारत एक प्रतिनिधित्व करके पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत आने वाला टाइम भारत का है, ये स्वर्णिम दौर चल रहा है हम सबके लिए, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत महाशक्ति बनेगा। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें, मोदी जी के साथ खड़े रह के देश के साथ खड़े रह करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बाप जी पोखरण परिणाम भूमि है और पोखरण के लिए अब क्या विशेषता रहेगी जो आप उनकी पूरी करोगे? पोखरण विश्व चर्चित और विश्व प्रख्यात स्थान है, माननीय अटल जी ने जो परमाणु परीक्षण किया था इस कारण से पूरे विश्व की नजरें पोखरण पर है। पोखरण हर परमाणु और परीक्षण को झेला, पोखरण ने पोखरण विषम परिस्थितियों में खड़ा रहता है, पोखरण हर परिस्थिति में देश के साथ खड़ा रहा है और पोखरण ने 2023 में भी परिणाम ला करके दिखा दिया कि पोखरण कहाँ खड़ा रहेगा, मोदी जी के साथ खड़ा रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि पोखरण एक आदर्श जिला बनकर के उभरे और पोखरण की पहचान जो विश्व में है वो और अधिक पहचान हो, यही हमारा कर्तव्य। बाप जी 2018 में कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई थी जो ये होगा है? 9 दिन और नया आदमी क्या कर सकता है, मात्र 9 दिन मिले थे और मैं बिल्कुल नया था क्षेत्र के लिए और 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा हो, राजनीति रचना का मुझे जानकारी नहीं थी, फिर भी पोखरण की जनता ने बहुत मतदान दिए, 9 दिन में भी बहुत मतदान दिए। थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसकी कई गुणा सैकड़ों गुणा चक्रवर्ती ब्याज सहित कल्पना से भी परे इस बार पोखरण ने जीत दिलाई है। ये पोखरण को बहुत बहुत धन्यवाद, पोखरण की जनता को धन्यवाद है। बाप जी एक संदेश जारी कर लो बाड़मेर और जैसलमेर की जनता के लिए। संदेश यही है कि हम सबको सबसे ऊपर जो कोई हमारा धर्म है तो राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म के लिए हमें राष्ट्र के साथ खड़ा रहना है, राष्ट्र को जो मजबूत कर रहे हैं उनके साथ खड़ा रहना है और राष्ट्र को मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं, हम सबको उनके साथ अपने छोटे से स्वार्थों को अपने छोटे से पद को ध्यान में न रखते हुए हम तो सब लोग राष्ट्र धर्म के निभाने के लिए मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आइए हम सब लोगों देश को मजबूत करें, हम सब लोग मजबूत हो जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद गुरु।